नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। माँ लक्ष्मी के भक्त बड़ी बेसब्री के साथ दीपावली का इंतजार करते हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी की मुख्य पूजा दिवाली की रात की जाती है, लेकिन दीपावली एक पंच दिवसीय त्योहार है। पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी से हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में जिस प्रकार दिवाली को लेकर आमजन उत्साहित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लोग धनतेरस को लेकर भी उत्साहित रहते हैं। धनतेरस का दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का जन्मदिन भी है, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है और इसे धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर को रोशनी का त्योहार मनाने के लिए पूरे देश दुनिया में तैयारियां जोरों पर हैं। दिवाली जिसे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है, कई राज्यों में 5 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, जिसमें धनतेरस इसका उद्घाटन दिवस होता है। आम जन के लिए धनतेरस का दिन अपने सुख वैभव में वृद्धि करने का दिन होता है। लोग इस दिन धार्मिक कार्यों के साथ साथ सोने चांदी, नए बर्तन, विभिन्न घरेलू सामान, धातु और विलासिता की चीजें खरीदना शुभ मानते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आए और ये लंबे समय तक रहे। मान्यता है कि रात में सोने से पहले 3 काम को हमेशा कर लेना पूरे परिवार के लिए बेहतर होता है और पैसों की दिक्कत कभी नहीं होती। आइए जानते हैं क्या है ये 3 काम जो माता लक्ष्मी को घर आने के लिए निमंत्रण देने जैसा माना जाता है। सोने से पहले हमेशा मुख्य द्वार पर कोई गंदगी नहीं रहने दें। बिना झाड़ू का इस्तेमाल किए आसपास सफाई कर देनी चाहिए। जिन फूलों को सुबह पूजा में इस्तेमाल किया गया हो, उन्हें देर रात तक पूजा घर में नहीं रहने दें, हटा दें। जब शाम की आरती हो जाए तो आधे या 1 घंटे के बाद कलश में साफ जल भर दें। बता दें, पूजा घर के कलश या जल पात्र को कभी भी बिना जल का नहीं रखना चाहिए। रात में सोने से पहले एक बार कपूर के साथ लौंग डालकर पूरे घर में धुआं दे देना चाहिए। ये विश्वास किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इन कार्यों को निष्ठापूर्वक करता है तो घर में बरकत रहती है। माता लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की कृपा से आर्थिक परेशानियां नहीं होती हैं। परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, घर में सुख शांति का वास होता है। वहीं दिवाली तक रोजाना ये काम करने से माता लक्ष्मी को घर में आने निमंत्रण प्राप्त होता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की और भी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।